हेलो फ्रेंड्स मैं सिन्नी मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल डी आई वाई बाई में और आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे तो फ्रेंड्स ये देखिए आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए बहुत ही प्यारा सा स्टार डोर मैट जो कि काफ़ी ही सुंदर है और जितना अच्छा देखने में लग रहा है ना उतना ही आसान इसको बनाना भी जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ तो बनाना तो खैर बहुत ही आसान होता है बस आपको इसके लिए वीडियो को पूरा फुल वॉश करना होगा तभी आप आसानी से समझ पाओगे कि कैसे इसको बनाया है तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने इसको बनाया है दो कलर की वुल से ये देखिए एक हमने लिया है पिंक गाजरी कलर और एक हमने लिया है ये ग्रीन का ही कलर तो यहाँ पे दो कलर की ऊन से हमने बनाए तो ये स्वेटर बनाने वाला जो वो ऊन होता है ना वही है और इसको हमने बनाया है नौ नंबर की सिलाई से ठीक है आप इसे साड़ी और चुन्नी से भी बना सकते हो अगर आपके पास पुरानी साड़ी और चुन्नी है घर में रखी हुई जिनका कोई यूज़ नहीं है तो आप उसका यूज़ डोरमेट के लिए कीजिए बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही बड़ा बन के आता है कम फंदों में बहुत अच्छा बन जाता है ठीक है तो यहाँ पे देखिए हमने इसको यहाँ से स्टार्ट किया है ये यहाँ से हमने स्टार्ट किया है पूरा ये देखिए ये काही कलर से हमने यहाँ पे फंदा डाला है तो बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ये बनेगा और देखिए यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस दस कली बन गई है और ये टोटल बारह कलियों में कंप्लीट हो जाएगा ठीक है छः कली में ये हाफ बनता है और बारह कली में पूरा फुल बनेगा तो बहुत ही सुंदर है और यहाँ पे इसको मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बताऊँगी जैसे कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स पूरा फुल देखिएगा वीडियो को और वीडियो ज़रा भी अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप लोग तो फ्रेंड्स यहाँ पे सिलाई में जो है आपको बिल्कुल सिंपल से फंदे डालने हैं फोर के मल्टीपल फंदे हमें लेना है प्लस दो फंदा जो है एक्स्ट्रा लेना है ठीक है फोर के मल्टीपल फंदे प्लस टू फंदा एक्स्ट्रा यानी यहाँ पे देखिए हमने चौबीस फंदे लिए हैं और टोटल चौबीस फंदे लिए फोर के मल्टीपल चौबीस फंदे दो फंदा एक्स्ट्रा यानी छब्बीस फंदे हमने यहाँ पर रखे हैं टोटल ठीक है छब्बीस फंदों में हमारा जो डिज़ाइन है वो बन रहा है तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको ना बिल्कुल ही स्टार्टिंग से बताऊँगी जैसा कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया था ठीक है ये यहाँ ग्रीन कलर से तो आप किसी भी कलर से फंदे डाल सकते हो पहले है ना क्योंकि दोनों ही कलर जो है सेम ही सेम बनेंगे आप किसी भी कलर से डाल सकते हो तो यहाँ पे टोटल आपको छब्बीस फंदे डाल लेने हैं फोर के मल्टीपल या आप ज़्यादा फंदे का बनाना चाहते हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो उसमें दो फंदा एक्स्ट्रा लेना है आपको ठीक है तो देखिए पहली सिलाई से डिज़ाइन स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पर देखिए हमने ग्रीन कलर से फंदा डाला आप भी फंदे डाल लो फंदे डालेंगे तुरंत बाद से आपको क्या करना है दूसरा कलर ऐड करना है यहाँ पे ठीक है इसी ग्रीन कलर में नॉट लगा लीजिएगा इस कलर का ठीक है और फंदे बढ़ाते हुए इस डिज़ाइन को स्टार्ट करेंगे हम तो चलिए देखिए देखिए पहला फंदा हम ऐसे उठाएँगे ठीक है तो ग्रीन कलर से आप मान लीजिए हमने फंदा डाला तो इसको हम ऐसे अंदर कर लेंगे और दूसरे फंदे को आपको यहाँ पर जो दूसरा कलर है उसको नॉट लगाना है आपको मेरा पहले से लगा हुआ आप लगा है आप नॉट लगा लीजिएगा अब फंदा ये ऊन लगाते ही दूसरा आपको एक फंदा बढ़ा लेना है सिलाई के पीछे से लाते हुए ऐसे जैसे हम बढ़ाते हैं वैसे देखिए हमने एक फंदा बढ़ा लिया दूसरे कलर से और बाकी सारे फंदों को अब हम ऐसे बना लेंगे ठीक है बहुत ही सिंपल है पहली सिलाई से इसको स्टार्ट करना है हमें तो एक सिलाई जो है हमारी फंदे में ही हो गई और दूसरी सिलाई जो अब हम बनाएंगे ये वाली तो हम कलर को चेंज कर लेंगे ठीक है और यहाँ पे जो है सारे फंदों को हम ऐसे ही बना लेंगे एक फंदा बढ़ाते हुए आपको करना है हर बार आपको एक एक फंदा जो है बढ़ाना है बहुत ही जल्दी फ्रेंड्स से बनके तैयार हो जाता है ये डिज़ाइन काफ़ी ही इजी सा है यहाँ पे देखिए हमने यहाँ तक बनाया दो फंदा यहाँ पे हम ग्रीन का छोड़ देंगे ठीक है और यहीं से वापस होगा एक फंदा हमने बढ़ाया और दो फंदा हमने छोड़ा और यहाँ से जो जैसे है सीधी साइड से वैसे ही बनेगा तो यहाँ पे दो दो सिलाई में हर कलर को हमें चेंज करना है दो दो सिलाई जब भी बन जाएगी हमारा दूसरा कलर लग जाएगा ठीक है जैसा कि आपको दिख ही रहा है यहाँ पर ग्रीन और पीच ऐसे करके लगा हुआ है तो ये हमारी दूसरी सिलाई है तो इधर साइड से कुछ भी नहीं करना होता दो फंदा छोड़ के बस हम वापस हो जाते हैं जो जैसे है वैसे ही बनाते हैं और यहाँ पे कलर चेंज करने का कोई वो नहीं है अभी क्योंकि सारा जो लाइन है सिलाई में एक ही कलर का फंदा है तो एक ही कलर से बनाएंगे ये यह देखिए यहाँ पे जो बढ़ा हुआ फंदा है इसको भी हम ऐसे बना लेंगे ठीक है बना लिया हमने फिर आ जाएंगे वापस और यहाँ पे देखिए एक जो है हमारा ये देखिए ग्रीन से हमने स्टार्ट किया था तो ग्रीन फंदा का हो गया बाकी ये पीच कलर से हमने एक फंदा बढ़ाया था अब देखिए हम आगे दूसरी साइड अपने उल्टी साइड अब फिर देखिए ऊन को आपको हर बार ऐसे अंदर की ओर करना है ठीक है ऐसे करके अब देखिए ग्रीन कलर जो है फिर से हम एक फंदा बढ़ाएंगे सिलाई के पीछे से ठीक है एक फंदा देखिए फिर से हमने सिलाई के पीछे से बढ़ा लिया और यहाँ पे बना लेंगे तो जब हम ग्रीन से बनाएंगे तो हमारा पीच का फंदा छूटेगा और जब पीछ से बनाएंगे तो ग्रीन का छूटेगा बाकी फंदे जो है ऐसे छोड़ते रहना है आपको और एक एक फंदे बढ़ाते रहना है ये देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ तक बनाया और दो फंदा यहाँ पे हमने फिर से छोड़ दिया और यहीं से हो जाएंगे वापस और यहाँ सीधी साइड में फ्रेंड्स कुछ भी नहीं करना है जो जैसे उसको ऐसे बना लेना है बहुत ही सिंपल सा है तो जो जैसे है उसको ऐसे ही बना लेते हैं हम यहाँ तक पूरा उल्टा उल्टा बनाना है बड़ा हुआ फंदा जो उसको भी उल्टा ही बनाना है तो फ्रेंड्स हम आगे फिर से अपने उल्टे साइड में देखिए हमने ग्रीन का भी बना लिया फिर और फिर से आ जाएंगे अपनी साइड और यहाँ से फिर से ऊन को हम करेंगे ऐसे अंदर ये देखिए पहले सिलाई में करना है उसके बाद ऐसे करेंगे अंदर और इसको फिर से एक फंदा बढ़ा लेंगे ठीक है तो देखिए फिर से हमने एक फंदा बढ़ाया और बाकी जो जैसे है उसको वैसे ही बनाएंगे और लास्ट में फिर से दो फंदे छोड़ेंगे फ्रेंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए और लाइक आप लोग बिल्कुल नहीं करते तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर किया कीजिए आप लोग जैसे देखते हैं बस लाइक भी कर दिया कीजिए वैसे ही और बनाए जरूर कीजिए आप लोग मैं आप लोग के लिए इतना तो अच्छा अच्छा डिज़ाइन लेके आती हूँ तो जरूर आप लोग भी ट्राई किया कीजिए और बनाया कीजिए और बनने के बाद कैसा आता है ये भी ज़रूर बताया कीजिए तो फ्रेंड्स या देखिए फिर से हमने यहाँ पे दो फंदा छोड़ दिया और यहीं से वापस हो जाएंगे और यहाँ से जो जैसे है उसको ऐसे पूरे यहाँ तक बना लेंगे लास्ट तक और यहाँ का फंदा जो लास्ट का ये भी उल्टा ही बनेगा ठीक है सीधा फंदा नहीं बनाना कुछ भी ये भी उल्टा ही उल्टा तो ऐसे करते हुए फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारे टोटल छब्बीस फंदे हैं यहाँ पे टोटल छब्बीस फंदों को हमें छोड़ लेना है ठीक है तो छब्बीस फंदे छोड़ेंगे और तेरह फंदे जो है हमारे ये बढ़ जाएंगे ठीक है तो चलिए यहाँ पे कम से कम पच्चीस फंदे जो हैं यहाँ पे सॉरी चौबीस फंदे जो हैं हम छोड़ लेते हैं और छब्बीसवा फंदा छोड़ना होगा तो आपको दिखाएंगे ठीक है तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमने दो दो करते हुए यहाँ तक फंदों को छोड़ लिया और यहाँ तक देखिए हमने फंदों को बढ़ा भी लिया ये देखिए एक एक करते हुए हमने फंदों को बढ़ा भी लिया तो यहाँ पे देखिए टोटल मैं चौबीस फंदे छूट गए देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह सॉरी ग्यारह बाईस फंदे छूट चुके हैं हमारे ठीक है अब हम चौबीसवा फंदा छोड़ेंगे यहाँ पे हम अपना फंदा बढ़ाएंगे तो देखिए अब यहाँ से हम फिर से अपना ये बारहवा फंदा बढ़ाया हमने ठीक है हमने ग्यारहवा फंदा बढ़ाया और हमने बाईस फंदा छोड़ा अब हमने ये बाईस बारहवा फंदा बढ़ाया और यहाँ सब हम चौबीसवा फंदा छोड़ेंगे तो जब तक सारे फंदे नहीं छूट जाते तब तक हमें फंदा बढ़ाना होता है देखिए फिर से दो फंदा हमने छोड़ दिया यहाँ पे चौबीसवा फंदा जो है छूट चुका है और यहाँ पे फिर से वापस हो जाएंगे और यहाँ पे ये जो जैसे है इसको ऐसे ही बनाना होता है उल्टा उल्टा ये देखिए हमने यहाँ तक बना लिया इसको ठीक है अब फिर से आ जाएंगे अपने उल्टी साइड और यहाँ पे हम देखिए फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे तो अभी यहाँ पे हमारे बाईस चौबीस फंदे छूट चुके हैं हमें छब्बीस फंदे टोटल छोड़ने हैं जितने फंदे हमारे पास थे ठीक है तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से फिर से हम एक फंदा बढ़ाएंगे ये देखिए ग्रीन को ऐसे करेंगे अंदर और फिर से एक फंदा अपना सिलाई पिक्चर बढ़ाएंगे तो देखिए एक फंदा बढ़ाया हमने और ये हो गया दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह तो ये देखिए तेरह फंदे हमारे यहाँ पे बढ़े हुए फंदे हो गए और ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह तेरह दो न छब्बीस ये छब्बीस फंदे जो हमारे फंदे थे वो पूरे हमारे फंदे छूट चुके हैं और ये बढ़े हुए फंदे हमारे पास हैं ठीक है तो यहाँ पे दो फंदा छोड़ने के बाद हम फिर से हो जाएंगे वापस सॉरी ये देखिए यहाँ से वापस होने के बाद यहाँ से हम वापस होते हुए तेरह फंदे जो हमारे हैं इनको हम बना लेंगे उल्टा उल्टा ये देखिए ये हो गए हमारे सारे फंदे अब यहाँ से देखिए चेंज है तो आप थोड़ा सा यहाँ पे फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कि कैसे करना है ठीक है देखिए यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे फंदे बढ़ाए हैं उसके बाद एक साथ हमारे फंदे घटे हुए तो देखिए यहाँ पे भी फंदे हमारे जो है बढ़े हुए हैं अब एक साथ हम यहाँ पे फंदों को जो है घटा देंगे तभी ये ऐसे करके आएगा ठीक है तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे अब हम ग्रीन कलर की बारी है लेकिन हम ग्रीन कलर नहीं लगाएंगे हम फंदे जब घटाना होगा तो हम जिस कलर से किए हैं उसी कलर से घटाएंगे क्योंकि यहाँ पे ये यह देखिए अच्छे से बॉर्डर सा बन के आ रहा है है ना तो यहाँ पे हम इसी कलर से घटाएंगे अभी ग्रीन कलर नहीं लगाएंगे क्योंकि फंदे घटाएंगे और एक साथ ही फंदे जो हैं घट जाएंगे तो देखिए यहाँ पे दो फंदों का एक करेंगे ये देखिए यहाँ पे सॉरी देखिए दो फंदा लिया हमने अब यहाँ पे ग्रीन को हम साथ में लेके चलेंगे देखिए दो का एक कर देंगे इसी कलर से ठीक है ये देखिए अब फिर से दो का एक देखिए फिर से दो का एक ठीक है ऐसे करते तो हुए हमें फंदों को घटाना और ये जो ग्रीन कलर है इसको हम फंसाते चलेंगे ऐसे ठीक है ये देखिए दो का एक किया हमने और जितने हमारे पास पीच कलर हैं ये इनको हम घटा देंगे ठीक है ये देखिए ऐसे करते हुए और इसको हम फंसाते चलेंगे क्योंकि अभी ग्रीन का हमें काम है ठीक है ये देखिए यहाँ तक हो गया ये देखिए फिर यहाँ पे, अब ये देखिए ये दो फंदे यहाँ तक ग्रीन तक हमने फंदे छोड़े और ये हमें घटाने वाला फंदा है हमारा ठीक है ये देखिए यहाँ पे हो गया यहां पे इसको थोड़ा सा फंसा लेंगे ठीक है तो यहां पे देखिए अभी ये दो फंदा है तो इनको भी अभी हम घटाएंगे लेकिन इसको हम फंसा लेंगे ग्रीन को यहाँ पे ठीक है अभी एक फंदा पीच का है तो अब ये ग्रीन के साथ हम इसको घटाएंगे ठीक है लेकिन अब यहां पे हम क्या करेंगे अब यहाँ पे हम जो हमारे ग्रीन कलर है उससे हम घटाएंगे अपना ये लास्ट तेरवा फंदा ठीक है यहाँ पे तो ये देखिए ग्रीन से हम घटा देंगे ठीक है और यहाँ से सारे फंदों को हम ग्रीन से ही बनाएंगे अब हमें जो छूटे हुए फंदे थे देखिए हमने सारे तेरह फंदे अपने घटा दिए और यहाँ पे जो हमारे पिंक कलर थे इसको हमने ये पे छोड़ दिया बाकी अब ग्रीन कलर से हम बना लेंगे जो हमने दो दो करके छोड़ा है फंदा उन सबको तेरह फंदे जो हमारे थे तो बारह फंदे जो होते हैं वो हम अपने पिंक कलर से घटाएँ और तेरहवा फंदा जो हमने दो दो छोड़ा था एक उसमें से और एक फंदा जो हमारा गाजरी था उन दोनों को ले, लेने के साथ ही हमने ग्रीन कलर से घटाया ठीक है उसको हम ग्रीन कलर से घटाएंगे और फिर सारे फंदों को हम ग्रीन से बना लेंगे और गाजर कलर को वहीं पे छोड़ देंगे तो यहाँ पे ये जो है फ्रेंड्स हमारे ये छूटे हुए फंदे हैं दो दो करके जिनको हम छोड़ के रखे थे वही वाले फंदे हैं हमारे तो इनको तो हम ऐसे बना लेंगे ठीक है सभी को उल्टा उल्टा ये देखिए हमने पूरा यहाँ तक तो बना लिया और अब देखिए क्या करना है अब यहाँ से ये देखिए हमारे ये सारे फंदे जो है सॉरी यहाँ पे देखिए घट चुके है ना अब यहाँ से पूरा यहाँ तक ग्रीन कलर से ही बना लेंगे हम और ये वाला फंदा जो है इसको उतार लेंगे नहीं तो सर्कल बहुत बड़ा होगा और यहाँ से सभी फंदों को उल्टा उल्टा हम बना लेंगे ठीक है ऐसे उल्टा उल्टा करते हुए पूरे ग्रीन कलर से यहाँ तक बना लेते हैं तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ तक हम पूरा इसको उल्टा उल्टा बना लेते हैं ये देखिए हमने पूरा यहाँ तक बना लिया है ना ये देखिए और इसी के साथ हमारी ये वाली जो पत्ती है ये वाली स्टार की ये भी कंप्लीट हो चुकी है ना तो अब देखिए अब क्या करना है अब यहाँ से हमारा एक कंप्लीट हो गया अब हम फिर से दूसरे की स्टार्टिंग करेंगे है ना अब फिर से हमें दूसरी पत्ती बनानी है तो यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे अब हमारे ग्रीन कलर लगा है तो यहाँ से हम इसको ऐसे करेंगे और इसको अंदर करेंगे और यहाँ जो पिंक लगा हुआ है यहीं से एक फंदा बढ़ा लेंगे अब फिर से वैसे ही करना है जैसा कि हमने आपको बताया था भाई एक फंदा बढ़ाते बढ़ाना है और दो दो फंदा नीचे छोड़ना तो जैसा हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था सेम वैसे ही करना है ठीक है फिर जब हमारे छब्बीस फंदे टोटल छूट जाएंगे और तेरह फंदे हमारे पास बढ़े हुए फंदे रहेंगे तो एक साथ ही हम उसे पिंक कलर से घटा देंगे ठीक है तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा और अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा वैसे मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोग को मैं आसान से आसान बताऊँ ताकि आप भी बहुत आसानी से मेरी तरफ़ बना सकें है ना वीडियो अच्छे लगने पर सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए आप लोग लाइक कमेंट करना भी बिल्कुल मत भूला कीजिए देखिए दो फंदे छोड़े हमने नहीं से वापस हो जाएंगे और यहाँ से जो जैसे है बिल्कुल उल्टा उल्टा यहाँ तक बना लेंगे ठीक है एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ इसको ये देखिए ये हमारा जो है बारह ये बारह में कंप्लीट होगा बारह पत्तियों में ये बनेगा पूरा जो कि अभी अधूरा है हमारा मैं आपको दिखाती हूँ ये देखिए तो बारह पत्तियों में बहुत ही सुंदर बन के आएगा और कंप्लीट भी हो जाएगा है ना तो फ्रेंड्स आप भी जरूर बनाइए और वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा अच्छा लगने तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा बाय बाय एंड टेक केयर